हेलो दोस्तों, वंस अगेन आज मैं आपको फानुक में सीरीज TF कितने प्रकार के ऑफसेट होते हैं वो मैं सिखाने जा रहा हूँ, और ऑफसेट इसमें कितना वैल्यू एक साथ डाल सकते हैं और कहाँ पर किस ऑफसेट का यूज़ होता है, कहाँ कर सकते हैं, कितने वैल्यू कर सकते हैं। तो इसमें चार टाइप का ऑफसेट होता है। ऑफसेट वियर ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट, वर्क ऑफसेट एंड वर्क शिफ्ट। तो चार प्रकार के ऑफसेट होते हैं, तो मैं वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका। तो सबसे पहले ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे, उसमें आता है वियर ऑफसेट। वियर ऑफसेट होता है W नंबर, W1, W01, 02, 03, इस तरीके से हमारे इसमें आ जाएंगे टूल 17 से लेके 34, 51, 68, 85, तो लास्ट इसमें W128 है। तो 128 तरीके से हम टूल में ऑफसेट डाल सकते हैं, और वो भी वियर ऑफसेट में केवल हम 1 mm से कम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इनपुट करके दिखा देता हूँ, 1 नंबर टूल है तो इसमें हम केवल 0.517 वैल्यू इनपुट प्लस माइनस कर सकते हैं। मान लिया कोई पीस है हमारी मशीन में लगा हुआ है और हमें 0.5 उसको प्लस या माइनस करना है, तो -0.5 इसको प्लस इनपुट और इनपुट इतना ये एक साथ ले लेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम डालेंगे, जैसे 0.6 प्लस इनपुट, डाटा इज आउट ऑफ रेंज, तो 0.5 से ज़्यादा वियर ऑफसेट में नहीं डाल सकते। लेकिन दूसरी कंडीशन से हम डाल सकते हैं 1 mm तक। वो कंडीशन क्या है, अगर हम 0.55 करके डालें तो डाल सकते हैं, 0.22 करके डालें तो डाल सकते हैं। इस तरीके से हम 1 mm तक प्लस कर सकते हैं। जैसे ये -0.2, फिर -0.2 किया, फिर -0.2 किया, तो इस तरीके से हम 1 mm तक इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑफसेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफसेट को क्लिक करेंगे तो ज्योमेट्री ऑफसेट में दोस्तों उसका साइन होता है जी से शो करता है, और ये एक्स है, ये जेड है। इस ऑफसेट में, ज्योमेट्री ऑफसेट में क्या करते हैं, जब भी कोई हम नया वर्क पीस, नया टूल या कोई भी टूल और पीस नया लगाते हैं, उसका ऑफसेट लेते हैं, उसको पीस को टूल से दूरी बताते हैं, तो ज्योमेट्री में ही लेते हैं, क्योंकि इसमें हम कितनी भी वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर नया टूल है तो एक्स का ऑफसेट लेना है तो डायरेक्ट इसमें ले लेते हैं, वो लेते हैं जिससे कोई भी वैल्यू है। मान लिया पीस को हमने, टूल को हमने पीस पर टच कर लिया, जितनी वैल्यू आई, सपोज दैट X50 50 mm है डायमीटर हमारा टूल का, तो टूल को डायमीटर पे टच करके तो X50.0 मेज़र कर देंगे, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री ऑफसेट में कितनी भी वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे एक साथ हम 100 mm माइनस कर सकते हैं, 100 हो गया, -200 हो गया, तो ये हम प्लस माइनस कर सकते हैं ज्योमेट्री ऑफसेट में। मोस्टली इसका यूज़ टूल का और एक्स और जेड के ऑफसेट लेने में किया जाता है। अब आता है थर्ड नंबर पर वर्क ऑफसेट। वर्क ऑफसेट में, इसमें वर्क ऑफसेट होते हैं 7 टाइप के। एक तो होता है 00, नंबर ऑफ 00, फिर उसके बाद नंबर 1 पर आता है G54, G55, 56, 57, 58 और 59। ये 59 तक, यानी हम एक टूल को 7 अलग अलग ऑफसेट लेके हम एक ही टूल को चला सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और सभी टूलों को अगर हमें प्लस माइनस करना है तो कोड, इनमें से कोई भी कोड डाल के प्रोग्राम में
उसके बाद हम उसमें प्लस माइनस कर देंगे तो सारे टूल एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं इसमें, एक्स में और जेड में भी। तो इसका यूज़ हम करते हैं मोस्टली, जैसे टोटल लेंथ किसी की 100 mm है, उसको हमें 99 करना है, 99 करना है, तो 99 के लिए 1 mm हम माइनस कर देते हैं, जिससे -1। तो इसमें भी कोई भी वैल्यू होगी, कुछ भी कर सकते हैं माइनस में, 50 mm, 100 mm, 10 mm, 250 mm, जितना प्लस माइनस करना होता है हम एक बार में कर सकते हैं। और इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर वर्क शिफ्ट। वर्क शिफ्ट का दिखाता हूँ मैं, उसमें करते हैं वर्क शिफ्ट। ये वर्क शिफ्ट है, वर्क शिफ्ट का बहुत कम रियर केस में यूज करते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इसका यूज कम होता है इंडस्ट्री लाइन में, क्योंकि इसमें जो शिफ्ट वैल्यू है और ये मेजरमेंट है, इसमें हमेशा अपोजिट चलता है। अगर हमें माइनस में वैल्यू डालनी है एक्स में और जेड में, तो पीस से टूल को दूर ले जाएगा, टैरेट को, यानी मशीन टैरेट को दूर ले जाएगी। अगर प्लस करेंगे तो मशीन पीस को काटेगी, और अगर माइनस करेंगे तो मशीन पीस से दूर जाएगी। इसमें हमेशा अपोजिट होता है, इसलिए इसका कम यूज करते हैं। और इसका मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है, 99% लोग नहीं यूज करते इसका, 1% कोई यूज़ करता होगा। तो दोस्तों, ये चार प्रकार के मैंने ऑफसेट बताए हैं, और आप इनमें देखो, एक्सपीरियंस करो। और आपको कोई भी नई वीडियो चाहिए किसी भी प्रकार की, कोई भी फानुक से रिलेटेड या सीमेंस से रिलेटेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर प्रोग्रामिंग से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ता रहे, मैं और अच्छे से अच्छा काम करूं आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।